इसमें हमारा सबसे बड़ी चीज़ तो एक इतिहास बन रहा है ये, जैसे हमारे पूर्वजों ने किसी काम को किया, करने के बाद चले गए, आज हम याद करते हैं कि हमारे पूर्वज ने मंदिर को बनवाया, तो यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने तालाब को बनाया, वैसे ही हमारे भी बच्चों के लिए एक इतिहास रहेंगे हम, कि हमारे बच्चे हमारे आने वाली पीढ़ी ये सोचेगा कि ये कुछ अच्छा काम करके चले गए और इस चीज़ को वो भी अपने जीवन में करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार के काम किए हैं तो हम भी अपने जीवन में ऐसा कुछ करें। In India, there are 100 million migrant workers who drift to cities for better opportunities and livelihood. It is a necessary but perilous journey, leaving their motherland, the land of their ancestors, to earn bread for their family. These migrant faces diminish in the ravaging madness of cities. The problem of migration in India is complex and underreported. The reasons are many, access to crucial resources being one of those. पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा हमारा पहला चरण था कि जितने भी प्रभावित लोग हैं, चाहे वो खेतीहर मजदूर हों, चाहे श्रमिक हों, चाहे गांव के रहने वाले वृद्धजन हों, उन सब तक जो है वो हम राहत सामग्री पहुंचाएं। साथियों, जो दूसरा जो चरण जो था वो पूरा श्रमदान शिविरों का था। हमने ये तय किया कि श्रमदान शिविरों के माध्यम से हम पूरे देश भर में ऐसे संसाधनों को, गाँव के संसाधनों को, जल जंगल जमीन पे आधारित संसाधनों को हम विकसित करना चाहेंगे ताकि लोगों को रोजगार के अवसर जो है वो गाँव में ही मुहैया हो सके। तीसरे चरण में हमने तय किया था कि हम सरकारों तक जाएंगे। बहुत अच्छे संस्थाएं बनी हुई हैं सरकार की, लेकिन वो फंक्शनल नहीं हैं, तो उनको कैसे फंक्शनल करें, उनको कैसे सक्रिय करें ताकि लोगों के अधिकारों के लिए, श्रमिकों के अधिकारों के लिए वो काम कर सके, ये हमने तय किया। और चौथे चरण में हमारा मकसद था कि गाँव में ही छोटे छोटे आर्थिक कार्यक्रम चलाए जाएँ ताकि जिन संसाधनों को हम श्रमदान शिविरों के माध्यम से विकसित कर रहे हैं उनको एक व्यवस्थित आर्थिक कार्यक्रम के का रूप दिया जा सके और उस पर आधारित लोग अपने छोटे छोटे कोऑपरेटिव चलाएं, छोटी छोटी समितियां चलाएं ताकि लोगों को रोजगार के अवसर जो है वो गांव में मुहैया हों। श्रमदान इज नॉट जस्ट अ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, इन फैक्ट It penetrates deeper into the ethos of the socio-economic structure of India. It has been an integral part of communities' way of living until modernization. It was taken up and then promoted by social reformers like Gandhi and Vinoba. If you pay close attention to the structural dynamics of migration in India, you will soon realize a striking clarity. This is the list of states from where the major portion of migrant workers belong, and this is the list with top 10 tribal population in India. Notice the bordering similarity. It is mostly the tribal and Dalits that leave their forests and communities to find better opportunities and access to crucial amenities. Shramdan camps are usually organized in these parts where the Adivasi population is more, and particularly in areas which see the highest number of migration. Ekta Parishad has been fighting a long battle of land and farming rights amidst the indigenous communities. It was Ekta Parishad's thoughtful idea and a strategic intervention which led to 269 Shramdan camps in 8 months. Across 38 districts of these 5 states. These campaigns were part of Shram Shakti Abhiyan, a campaign to restore the lost prominence of power of community labor and to upscale the self-sufficiency of the rural population.
हम लोग यहाँ पर संगठन के साथ बैठक किए और उन लोगों को जोड़ा इस श्रम में जो कोविड 19 और लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हो गए थे, और प्रवासी मजदूर कहें उनको एक तरह से, जो प्रवासी मजदूर हैं जो कहीं इंदौर, भोपाल और कहीं गुजरात में काम करने वाले प्रवासी मजदूर थे, जिन्होंने काम के बेरोजगारी हो गई तो उसके बाद लोगों के पास खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, राशन की कमी हो रही थी। इस समय सागर की प्रॉब्लम ये है, पिछले दो महीने से यहाँ पे लोगों को राशन नहीं मिल रहा। पूरे जितने सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने हड़ताल कर रखी है और दो महीने से लोग परेशान हैं। Look at these photographs sent by the ground volunteers of Ekta Parishad. You will notice that in each of them, they are trying to build, restore or conserve a water body. When Shramdaan can be any community asset, why do villagers choose water conservation methods? एक मतलब बैठक रखें, बैठक रखने के बाद में एक गठन बन के कि ये तालाब लहमन एक गठन बन के खोदबो और एला बनाबो और बनाबो ताकि एक जगह में पानी रुकी, तो ये पानी जो माल मवेशी के पिए बर काम आही और हमार जनता के हर चीज़ बर मतलब काम आही, और आसपास में जो गांव में अपन खेती बाड़ी में भी वहाँ के पानी ला मतलब लेच के हमन अच्छा से धान पैदा कर सकथन, अच्छी सिंचाई कर सकथन। तापर आम तो गाधौ पीऊँ खाऊ तापर आम पाखे जिते परेश गुड़ाक सब भल रहा आम बेस दूर के नाई जाई पारूँ आम जहाँफल आम भल सुविधा हवा या रोगमुक्त होती सफा सुतर रखमु परेश सुरक्षा है आम जीवन रक्षा हो। If you imagine that Shramdaans are about a group of unfortunate, vulnerable people whose only precedence is work, this wouldn't be absolutely right. The scenario is entirely different. For most of these Shramdaanis, this is more than just work. It is a means to come together, be there for each other. People would talk about their life, about relatives, things happening in the village, and other important and trivial matters. During breaks, they would find shade, drink water and take rest. Singing together and teasing each other is all an eminent part of this community work. Sometimes, the children would also accompany them. Adivasi एक संस्कृति ऐसी है कि दूसरे के लिए, दूसरे के जीवन के लिए सामूहिकता में काम करने की उनकी परंपरा बनती आ रही है, और उनकी संस्कृति है कि दूसरे के हित में काम करते हैं वो लोग। और हमारे एकता परिषद में और उन आदिवासियों के कल्चर में ज़्यादा खास फर्क नहीं है, इसलिए हमारे आदिवासी लोग एक होके कोई भी मुद्दे पे, कोई भी समस्या पे एक होके काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसे ILO जैसे संगठन सिर्फ संगठित मजदूरों के बारे में न सोचें, वो साथ साथ असंगठित मजदूरों के बारे में सोचें। इतने बड़ी श्रम संपदा जिस दुनिया में हो उसका सही उपयोग करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स आर बीइंग मेड टू कंजर्व वाटर, व्हिच इज द रूट कॉज ऑफ मेनी चैलेंजेस, व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू माइग्रेशन। This is certainly not the end of distress migration, but a beginning towards self-sufficiency. Shramdaans have contributed in instilling a lost sense of belongingness
and an attachment to their ancestral land, along with the belief in the collective development for all. और हमारे एक उद्देश्य है कि ये तालाब करीब 10 एकड़ का है, बाउंड्री है हमारा, तो ये 10 एकड़ में तालाब बनेगा और हम लगभग 100 लोग यहाँ निवास करते हैं। वैज्ञानिकों की जो आज एक प्रयोग चलता है कि छोटे छोटे टैंक में बड़ी मछली पालन करते हैं, वैसे एक हमारा एक बड़ा टैंक है जिसमें तकनीकी ज्ञान लेके हमारे बच्चों को तकनीकी ज्ञान करवा के मदद लेके शासकीय मदद लेके जैसा भी है समाजसेवी संस्थाओं से मदद लेके हम अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं कि उनको यहीं काम मिले और यहीं रहें और अच्छे रहें, ताकि आने मैंने हम जो पलायन हमको करना पड़ा, हमारे लोगों को पलायन करने की ज़रूरत पड़ा, वो हमारे बच्चों को न मिले, ये हमारी एक सोच। एगम के और चार दिन, सितम के और चार दिन, ए दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए हजार दिन। एगम के और चार दिन, सितम के और चार दिन, ए दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए हजार दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है।